इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अरावली की ऊंची पर्वतमालाएं, घने जंगल, एक प्राचीन राजधानी और कुछ शानदार महल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तरी राजस्थान में स्थित अलवर शहर की। अलवर और इसके आसपास के क्षेत्र आपको हमेशा ही मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का इतिहास और प्रकृति दोनों ही जीवित हैं। अरावली के पास बहुत से प्राचीन स्मारक स्थित हैं, जिनमें से एक है मध्यकाल में बना बाला किला। इतिहास के इस अद्भुत करिश्मे के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसे मूलतः मीना राजाओं ने बनवाया था। मीना शासन काल में इसका निर्माण एक सीमा चौकी के तौर पर करवाया गया था। अलवर के दिल्ली से निकट होने के कारण इस किले को सामरिक दृष्टि से अहम माना जाता है। 14वीं शताब्दी में तिजारा के खानजादा शासकों ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उन्होंने आगे चलकर इसका निर्माण बाला किले के तौर पर करवाया। बाला का अर्थ है भीतरी या छोटा। चारों ओर प्रकृति से घिरे इस किले का नज़ारा बेहद शानदार है। ये किला अलवर शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से शहर के भव्य नज़ारे का लुत्फ उठाया जा सकता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1908 फुट है। दुश्मन पर नज़र रखने के लिए खास तौर से इसे तैयार किया गया था। ये किला कई लड़ाइयों का गवाह भी रहा है। कायम खानी शैली में बना ये किला बेहद सुंदर लगता है। इस किले पर मुगलों, खानजादों, जाटों, राजपूतों और मराठों का राज रहा है। इस मजबूत किले का निर्माण 1550 में मेवात के 7वें शासक हसन खां मेवाती ने करवाया था। हसन खां मेवाती मेवात के मुस्लिम खानजादा राजपूत शासक थे। इनके खानदान ने मेवात पर लगभग 200 साल तक राज किया। हसन खां मेवाती वो वीर शासक थे जिन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। उन्होंने मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ अपनी सेना उतार दी थी। इस युद्ध में बाबर ने मेवाती के पुत्र को बंधक बना लिया था। इस लड़ाई में लोदी तो हार गए, लेकिन मेवाती नहीं हारे। वो बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए राणा सांगा के साथ मिल गए। ये किला अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अंदर से भिन्न भागों में बटा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कई तरफ से सीढ़ियां हैं। मेवाती शासन के पतन के बाद मुगलों के आधिपत्य में ये किला आया। यहाँ कई मुगल बादशाहों ने वक्त बिताया था, जिनमें से एक हैं जहांगीर। जहांगीर ने लगभग 3 साल तक इस किले में निवास किया। इस दौरान उन्होंने इस किले को सलीम महल का नाम दिया। मुगल काल के पतन के बाद 1770 ईस्वी में अलवर राज्य के संस्थापक राव प्रताप सिंह ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आज़ादी के पहले तक ये किला अलवर के शासकों के अधीन रहा। 1947 में ये किला भारत सरकार की संपत्ति बन चुका था। आज भी यहाँ का स्थापत्य अपनी शैली का अनूठा उदाहरण है। अलवर के राजाओं के महल आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। किले की पहाड़ी के ठीक नीचे ही स्थित है विनय विलास महल। ये महल भारत इस्लामी वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। महल 18वीं सदी की सुंदर वास्तुकला और सजावट के लिए प्रसिद्ध है। महल का एक हिस्सा संग्रहालय में तब्दील किया गया है, जहाँ उसका इतिहास संरक्षित है। इस महल के पीछे ही स्थित है मूसी रानी की छतरी। इस ऐतिहासिक 2 मंजिला भवन का निर्माण विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी के सम्मान में सन 1815 में करवाया था। इस स्मारक की वास्तुकला की भव्यता
इसे शानदार दृश्य प्रदान करती है। अलवर शहर पर राज्य करता ये वाला किला भारत के सबसे सुंदर किलों में से एक है।